हम ये कहते हैं कि ये तो है ही गंध, गंध नहीं है, शीशा है, देखो शक्ल अपनी इसके अंदर शीशा है। कल तक जिन लोगों को सोशल मीडिया सूट करता था, जो फिफ्थ जनरेशन वॉर, याद है आप सबको सलमान भाई, फिफ्थ जनरेशन वॉर ये लड़नी है सबने मिलकर, सारे वॉरियर्स हैं ये तैयार हो गए वॉरियर्स, लड़ो इनसे। अब वो सवाल पूछ रहे हैं, अब वो जवाब मांगते हैं। आपने तो कहा था, आपने तो ये कहा था कि कोई भी चीफ अपनी फौज से बड़ा नहीं होता। दो जवाब, आपने कहा था कोई भी फौज अपनी कौम से बड़ी नहीं होती। दो जवाब मांग रहे हैं जवाब सोशल मीडिया वॉरियर्स। खुद ही कहा था ना फिफ्थ जनरेशन वॉर, याद है जवाब भाई? सबको लगा दिया इसके पीछे, सबके हाथ में हथियार पकड़ा दिया। नाउ दे आर लीथल। वो पढ़े लिखे हैं, उनका दिमाग काम करता है। आज से पहले जिन जिन के साथ इन ताकतवर लोगों का पंगा हुआ वो कौन थे? कोई मौलवी था? कोई बेचारा सियासतदान था? कोई बेचारा किसी गरीब तबके से, एक दूर दराज इलाके का, कोई बलोचिस्तान के पहाड़ों से उतरा हुआ था? पहली दफा टक्कर के लोग मिले हैं। दो जवाब, पहली दफा टक्कर के लोग मिले हैं जो सवाल पूछते हैं लॉजिक के साथ। सर आप तो ये कहते थे, एक ही हो गया। दो जवाब, अब गाली देने से जान नहीं छूटेगी, अब ये कहने से जान नहीं छूटेगी कि हमारी यूथ पूरी तरह से अवेयर नहीं है, ऐसे जान नहीं छूटेगी। ये आपसे जवाब मांगेंगे, आपको देना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा। कहानी कोई और सुनाई, हकीकत में कुछ और किया। मैं कल की बात आपको बताता हूं, मुझे शर्म आई। आपका वजीर दिफा पार्लियामेंट में खड़ा होकर, भाई जान मेहरबानी करें, क्योंकि यहां से आपकी आवाज डायरेक्ट काम में आती है और इतनी अच्छी आवाज है, उधर मुड़ जाता तो नहीं, कई आवाजों के अंदर बड़ा जादू होता है और भाईजन की आवाज में बड़ा करंट है। तो मैं गुजारिश कर रहा था, कल आपके वजीर दिफा ने कहा कि एक कैनेडियन क्यों बोला आर्मी चीफ के खिलाफ असेंबली के अंदर, मामला उठाया। मैं भी कहता हूं कि तनकीद होनी चाहिए, मुजम्मत होनी चाहिए, किसी में जरूरत नहीं होनी चाहिए कि हमारे इदारों के खिलाफ बात करें, ठीक है बात। लेकिन डोनाल्ड लू भी तो बोला था, उसका सबूत है आपके पास, उस पर आप बात नहीं करते। इंडिया ने, चाइना के अंदर 17 मुल्क आए हैं, पाकिस्तान को नहीं बुलाया गया। और कल पाकिस्तान की मुजम्मत पता किस तरह की थी कि एक मुल्क है जिसने पाकिस्तान का रास्ता रोका चाइना जाने से। नाम लो ना, लो ना नाम, 70 सालों में पीछे लगाया, भारत ये करता है, भारत वो करता है, भारत का ये कर देंगे, ये जंग लड़ेंगे, मार देंगे, तबाह कर देंगे, 70 साल इस चीज के पीछे लगाया, कल नाम लेने की